आज कुछ डिलीवरी के बारे में बात करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी। क्या आपको मालूम है जब कोई लड़ी नॉर्मल डिलीवरी करवाती है तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिला की बॉडी में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो कि बॉडी पेन को कम करने में और रिकवरी रेट को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। जैसे कि कोई महिला अभी डिलीवरी करवा के गए तो वो 4 से 5 घंटे के अंदर आराम से अपने आप चलने में सक्षम हो जाती है और 4 से 5 दिन के अंदर वो फुली रिकवर हो जाती है और आम जैसे ज़िंदगी जीने लगती है। अगर मैं वहीं पर सिजेरियन डिलीवरी की बात करूं तो सिजेरियन डिलीवरी में कोई भी एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज नहीं होता है और उस महिला को जो कि सिजेरियन डिलीवरी करवा के गई है उसको रिकवर होने में कम से कम 4 से 5 हफ्ते का टाइम लगता है। और इसके साथ साथ जो भी सिजेरियन किया रहता है, जहां पर भी सिजेरियन का टाका लगा रहता है, उसका घाव भरने में लगभग 6 से 7 महीना लगता है। जब तक कि आपका सिजेरियन टाके का घाव भर नहीं जाता है तब तक आपको हमेशा मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। वहीं पर अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात करूं तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मैं सिजेरियन डिलीवरी की बात करूं तो सिजेरियन डिलीवरी में एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा इस्तेमाल किया जाता है और उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि मोशन सिकनेस, हेडेक और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वहीं पर अगर मैं सिजेरियन डिलीवरी की बात करूं तो यहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और गर्भाशय का यानी कि यूट्रस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। और वहीं पर अदर हैंड नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी इन्फेक्शन का चांसेस नहीं होता है, सिर्फ वहां पर एक वो जाने में छोटा सा कट लगता है और वो जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।